guys, welcome back to Hello Gorgeous. So today I'm shooting with my new camera, that is Sony RX100. Aditya finally brought me a vlogging camera, so I'm so happy. But I actually don't know ki mujhe kahan dikhna hai exactly. So there's, you know, tilted screen, and there's also focus, the zoom thing. So I'm just wondering and playing with it right now. So yeah, don't mind. And by the way, I have so many things to share actually. So, aaj hai, kya date hai? You know what, I have to check the date and time always. So yeah, today is June 18 and the time is 10:33 AM. So basically 10:30 AM, subah ke 10:30 ho rahe hai. You know what, mere summer classes start ho gaye hai, like कल मेरा प्रेजेंटेशन था एक और इतना स्ट्रेसफुल था, ओह माय गॉड. और गेस व्हाट, आई एम फाइनली शिफ्टिंग एंड वी फाउंड आवर न्यू होम. आई एम सो एक्साइटेड, ओह माय गॉड, थैंक गुडनेस, थैंक टू गॉड, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विथ मी. एंड या हम लोगों ने नया घर ढूंढ लिया है और हम लोग सैटरडे को शिफ्ट हो रहे हैं. और आज है, लाइक आज कौन सा डे है, आज है थर्सडे और बस दो दिन है हमारे पास. आई एम सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड एंड पैकिंग चल रहा है. लाइक कल मेरा प्रेजेंटेशन हुआ है एंड आज आई एम लाइक ओके, आई एम गोना डू एवरीथिंग इन दिस टू डेज. लाइक कुछ बॉक्सेस पैक हुए हैं, थोड़ा बहुत सामान लाइक मैंने सिर्फ बाहर ला के रख दिया है, बट आई हैव टू लाइक प्रॉपरली पैक इट. तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, ये सारा सामान है मेरे पीछे. तो वो साइड में जो बॉक्सेस है, द कॉर्नर वंस, दोज आर फाइनली पैक्ड. एंड ये सारा सामान, ये कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं जो हमें अभी भी ऊपर लगती है, बिकॉज ऑफकोर्स दो दिन है भाई, दो दिन तो खाना बनाना है. एंड या तो लाइक ये फर्नीचर तो है नहीं हमारे पास ज़्यादा. एंड भगवान जी भी मुझे पैक करने हैं, वो मैं शायद कल करूँगी, बिकॉज मुझे लास्ट डे तक रखने हैं भगवान जी, बिकॉज अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है. तो हाँ, और हाँ खाना वाना तो हम लोग बना रहे हैं अभी. एंड हाँ, मैं फोकस में हूँ, ओके. तो या मैं अभी आज ना सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो, सुबह सुबह नहीं एक्चुअली, तो मैंने बेडशीट्स चेंज किए हैं. और यू नो व्हाट, हाँ वन मोर थिंग, काफ़ी चीज़ें मैं बेच रही हूँ जो हमें लगने वाली नहीं है, जो और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बट यार रखने के लिए जगह नहीं होगी और लगता है ये चीज़ें बाद में काम में नहीं आएगी, तो वो चीज़ें भी मैं बेच रही हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने टीवी बेच दिया है और हम लोग अभी हमारा बेड भी बेचने वाले हैं. तो हाँ बस ये सब भी चल रहा है. तो आज मुझे पैक करने हैं मेरे सारे कपड़े. मैं बस दो दिन के दो ड्रेस बाहर रखने वाली हूँ, आदित्य की भी दो दिन के दो ड्रेस. और 10:30 बजे है, सबसे पहले मैरिड वुमेन का काम होता है पति को कुछ खिलाए, खुद भी कुछ खाए. तो पहले हम खाने की थोड़ी सी तैयारी करते हैं. और खाना में कुछ रोटी सब्जी नहीं बनाने वाली हूँ, बिकॉज़ आई हैव टू गिव माई टाइम टू पैकिंग. तो मैं कुछ पास्ता टाइप्स बनाने वाली हूँ एंड लेट्स सी. ऑल्सो कुछ चीज़ें मैं अभी बेचने वाली हूँ, लाइक थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वोटोज़ निकाल के मैं अभी डालूँगी बेचने के लिए. एंड साइड बाय साइड में खाना भी पकाऊँगी, आप लोग सब देखेंगे. और सैटरडे को मैं शिफ्ट होने वाली हूँ. ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, आई वाज वेटिंग फॉर दिस डे सिंस सो लॉन्ग. एंड हमारा घर बहुत अच्छा है, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी ऑफकोर्स. एंड या यू गाइज बी विथ मी, वॉच इट टिल द एंड. एंड अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल, तो पहले जाके सब्सक्राइब करिए, बिकॉज यू नो अच्छी अच्छी वीडियोज आएंगी एंड यू गाइज विल मिस इट. आई डोंट वांट, सो एनीवेज लेट्स गो, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके हाय गाइज, सो फर्स्ट थिंग मैं बनाने जा रही हूँ आदित्य का ग्रीन जूस. वो रोज़ ग्रीन जूस पीता है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. तो उसके बाद मैं पास्ता बनाने की प्रिपरेशन साइड बाय साइड ही करूँगी. पास्ता मुझे बॉइल वगैरह करना पड़ेगा, तो वो भी कर लेती हूँ.
सो टुडे इज सेकेंड डे. आई कुड नॉट कंटिन्यू यस्टरडे बिकॉज यू नो कल क्या हुआ, हम लोगों ने खाना बनाया, खाना खाया और उसके बाद मैं बहुत टायर्ड हो गई. और मैंने उसके बाद एटलीस्ट 2 घंटे के लिए पैकिंग भी करी है और मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई. तो मेरे अंदर कुछ एनर्जी नहीं बची कि लाइक रिमेनिंग डे में मैं कुछ कर पाऊँ. हाँ, बट शाम को हम लोग एक बार ही हमारे नए घर में जाके आए, हम लोगों को कीज़ वगैरह कलेक्ट करनी थी. सो या टुडे इज़ द नेक्स्ट डे और हम लोग सोच रहे कि शायद आज ही शिफ्ट हो जाए, लाइक सामान, मोस्ट ऑफ द सामान आज ही शिफ्ट कर ले. तो अभी हो रहे हैं सुबह के 11 और आदित्य गया है ऑफिस कुछ काम के लिए. एंड आई थॉट कि अभी मुझे कुछ काम कर लेना चाहिए. बाय द वे मैं आज लंच नहीं बना रही हूँ. सो तो मेरे पास टाइम बच जाएगा पैकिंग करने के लिए. इसलिए तो अभी मेरा घर एक्सट्रीमली मेसी पड़ा है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सब कुछ. सो या तो ये है मेरा बेडरूम, ये देखिए नीचे हमारे बेड फ्रेम चला गया है, मतलब मैंने बेच दिया है. तो अभी ये थोड़ा बहुत कुछ सामान पड़ा है, ये भी मुझे पैक करना है. उसके बाद मुझे ये जो ट्रॉली है ये ट्रॉली खाली करनी है. आदित्य का सेटअप अभी हम लोगों ने रखा है बिकॉज ही हैज़ टू वर्क एंड आज फ्राइडे है, तो मतलब आज शाम तक तो उसे काम करना ही है. उसके बाद ये वाली जो ऑरेंज वाली ट्रॉली है ये मैंने खाली कर दी है. ये बस थोड़ा कुछ सामान है वो मैं ऊपर के बैग में वगैरह रखूँगी. और हाँ, ये सब ऑलमोस्ट खाली हो चुका है. मेरा वार्डरोब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को. तो ये देखिए मेरा वार्डरोब भी पूरा खाली हो चुका है. सब कुछ खाली है. ये थोड़ा बहुत कुछ सामान है वो हम लास्ट मिनट लेके जाएंगे. उसके बाद मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ हॉल में, जो कि अभी हॉरिबल कंडीशन में है. और मैंने कुछ कपड़े भी धो डाले हैं, लाइक बेडशीट्स वगैरह मुझे धोनी थी तो वो सब हो चुका है. और अभी आप देखिए नज़ारा. तो ये है मेरे हॉल का नज़ारा फ़िलहाल. तो हाँ, कल मैंने क्या किया, मैं आपको बताया था कि मुझे सूटकेस भरनी है. तो ये सारी सूटकेसेस मैंने तैयार करके रखी है. ऑलमोस्ट 6 सूटकेसेस है हमारे पास और एक ऑलमोस्ट बंद करनी है. बाकी बहुत सा सामान हो चुका है पैक करके. खाने पीने का सामान मैंने थोड़ा बहुत ऊपर रखा है बिकॉज आई एम स्टिल कुकिंग समटाइम्स. मतलब मैंने कल लंच भी कुक किया है, डिनर भी कुक कर दिया है. और आज आई थॉट कि मैं लंच डिनर में टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ. आज के दिन हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, बट मैं बाकी सारा काम सामान कर लूँगी पैक. तो ये सारे बॉक्सेस भरे हुए नहीं है, इसमें से आधे बॉक्सेस खाली पड़े हैं. तो यू नो प्लान ऐसा है कि पता नहीं, हम लोग कार में ही शिफ्ट करने वाले हैं तो मतलब दूसरा घर ज़्यादा दूर भी नहीं है, 15 मिनट्स के डिस्टेंस पर है. बट I don't know, like पता नहीं है. अभी जब हम लोग फर्स्ट ट्रिप करेंगे तब हमको थोड़ा आइडिया आ जाएगा आई गेस कि हम लोग कैसे करेंगे. By the way, about किचन में बहुत सारा सामान like यहीं पे छोड़ के जाने वाली हूँ, छोड़ के एज इन रिसाइकिल करने वाली हूँ. क्योंकि हम नए घर में कुछ नए बर्तन लेने वाले, बिकॉज कुछ पुराने बर्तन वी आर यूजिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 1.5 ईयर. सो वी थॉट दिस इज अ गुड टाइम टू बाय सम न्यू थिंग्स. वी हैव बीन सेविंग फॉर दैट एक्चुअली. सो या कुछ चीज़ें हम लोग नई लेंगे और जो बहुत ही पुरानी हो गई ये चीज़ें वो यहीं पे डंप कर देंगे, रिसाइकल करेंगे. सो या बहुत सारे शूज़, बहुत सारे कपड़े जो हम लोगों ने आज तक कभी यूज़ नहीं किए हैं या बहुत पुराने हो गए तो वो हम लोग डोनेट कर देंगे. सो या तो चलो अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और थोड़ा बहुत मेरा पैकिंग बचा है तो वो कंटिन्यू करते हैं.